देखो व्रत उपवास करो, इस कथा से समझ लेना कौन सा व्रत करना चाहिए। बोलो राधे राधे। किस उद्देश्य को लेकर व्रत करना चाहिए, ये इस कथा का आशय है, समझते चलिए। गोपियों ने संकल्प लिया हम व्रत करें। किसका व्रत करें? बोले कात्यायनी देवी का व्रत करें। पूर्णमासी प्रोतानी के पास गई, उनसे विनती करी हमें व्रत करना है। बोले उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य है श्री कृष्ण पति रूप में मिल जाएं। तो बोले कात्यायनी देवी का व्रत करो। ठीक है महाराज। गोपियां यमुना तट पे जाएं और वहां की बालुका से लेकर के मूर्ति का निर्माण करें और वहां स्नान करके मूर्ति को अभिषेक कराएं और उनकी उनसे विनती करें। क्या विनती करें? आइए हम लोग आप लोग सब विनती करें, सीधे बैठ जाएं। हाथ सब लोग, कुर्सी वाले भी। हाँ थोड़ी देर तो मेहनत करो भाई, बहुत आराम से बैठ लिए। सब लोग मेरे बाद में उच्चारण करेंगे हाथ जोड़ करके, मानो कात्यायनी देवी विराजमान है और वे आपकी बात सुन रही हैं और आप विनती करिए। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। गोपी ने यहाँ कात्यायनी देवी से विनती करी कि हे कात्यायनी मैया, हम आपके चरण में प्रणाम करें, विनती करें कि नंद के लाला श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त है जाए। ये व्रत लेकर के गोपियां नित्य यमुना में स्नान करें, नित्य पूजन कर रही हैं और इतना सब करते हुए भी उनके जीवन में एक उनसे छोटा सा अपराध हो रहा है जो उन्हें पता नहीं। अपराध क्या हो रहा है? सारे वस्त्र उतार कर यमुना में स्नान कर रहे। श्री कृष्ण ने कहा व्रत तो सही है, भावना भी सही है, सब कुछ सही चल रहा है, एक दोष बन रहा है जो आगे लोग इस बात पर उंगली उठाएंगे और वैसा ही करने लग जाएंगे। इसलिए कन्हैया ने जाकर के चीरहरण कर लिया, वस्त्र चुरा लिए गोपियों के, जाकर के वस्त्र चुरा करके कदम के वृक्ष पे चढ़ गए हैं। दो प्रकार की भावनाएं यहां संतों से हमको आपको श्रवण करने को मिलती हैं। एक भावना के दोष निवृत्ति के लिए कन्हैया ने उन्हें दंडित किया और उन्हें वस्त्र लौटा करके शिक्षा दी कि आगे कभी भी यमुना में, गंगा में, नदी में, समुद्र में वस्त्र उतार के, जल देवता है इनका अपमान नहीं करना चाहिए, वरुण देव है इनका अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संतों ने इस प्रकार समझाई कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्दा है। श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण करके वे माया का पर्दा हटा दिया, जीव और ब्रह्म का साक्षात मिलन हो गया।